दोस्तों अगर आप घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं सो आज की इस वीडियो में आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। इस बैंक में आप घर बैठे बैठे एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। खास बात तो यह है कि इसमें आपको कोई केवाईसी नहीं करनी है, वीडियो केवाईसी वगैरह इसमें नहीं करनी होती है। आप केवल बस अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से घर बैठे बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसमें आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सूर्योदय बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा और अंत तक डेबिट कार्ड के पिन जनरेट करने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इस बैंक को लेकर के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ये बैंक हम नया नया सुन रहे हैं मार्केट में, ये बैंक कितना सुरक्षित है। एक और सवाल आपके दिमाग में आ सकता है, अगर हमारे क्षेत्र में इसका कोई ब्रांच नहीं है सूर्योदय बैंक का, तो क्या हमारे लिए ये सेविंग खाता मिलेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। और एक और सवाल यूपीआई को लेकर के, क्या इस बैंक को हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इन सब जगह लिंक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई केवाईसी नहीं करनी होती है आपको, तो इसमें फुल केवाईसी किस प्रकार से होगी। तो ये चारों के चारों सवाल के जवाब दे दूं, उसके बाद में आपको अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि ये बैंक कितना सुरक्षित है। देखो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपने पहले भी बहुत सारी बैंकों के नाम सुने होंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसी प्रकार का ये भी एक सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आजकल आपने देखा मार्केट में स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको सारी सर्विस देते हैं जो बैंकिंग फाइनेंस में मिलती है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई से मान्यता मिली होती है। जहां तक की बात करूं अगर सुरक्षित की, तो आपको पता होगा कि इंडिया में हमारे बैंकिंग सेक्टर का एक ही नियम है, चाहे आपका एसबीआई हो, चाहे आईसीआईसी हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, सरकारी प्राइवेट सब बैंकों का एक ही सिंगल रूल है डीआईसीजीसी, जिसमें अकाउंट ओपन होते ही आपको 5,00,000 रुपए तक का एक इंश्योरेंस मिल जाता है कि कल के दिन कोई बैंक अगर भागता है, डूबता है, कुछ भी होता है, तो आपको 5,00,000 रुपए तक ही मिलेगा। तो 5,00,000 रुपए तक का DICGC इंश्योरेंस आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी मिलता है। मतलब कि जितना पैसा आपका SBI में सुरक्षित है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक में, ICICI बैंक में, उतना ही पैसा आपका इस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में सुरक्षित है। तो ये तो रही बात सुरक्षित की, आगे बात करते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में इस बैंक का कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, तो हम अकाउंट ओपन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका ब्रांच आपके आसपास है या फिर नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आपको एप्लीकेशन की मदद से इस अकाउंट को घर बैठे बैठे ओपन करना होता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी कोने से, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र से, किसी भी सिटी से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस अकाउंट को यूपीआई लिंक की, तो जी हाँ बिल्कुल, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, हर जगह जहां पर भी यूपीआई लिंक होता है, आप सभी जगह सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक सर्च करके इसको लिंक कर सकते हो और इससे पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको लिंक करके भी दिखाऊंगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल फुल जानकारी मिलेगी। इसके अलावा इसमें केवाईसी की बात करें कि इसमें फुल केवाईसी कैसे करना होता है, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे, यहां पर आपका आधार नंबर लगेगा और आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपकी फुल केवाईसी हो जाएगी। मतलब इसमें वीडियो केवाईसी वगैरह झंझट नहीं है कि आपको वीडियो केवाईसी करना है या ब्रांच में जाना है, घर बैठे बैठे आपके आधार कार्ड से यहां पर आपकी फुल केवाईसी हो जाती है। अब चलिए समझते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के प्रोसेस की बात, कि किस प्रकार से इस अकाउंट को घर बैठे बैठे ओपन करना होता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है न्यू कैश। इसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट क्लिक करके और इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद यहां पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां से आपको स्टार्ट न्यू कैश पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल देना है, जोन सा मोबाइल नंबर आप इस सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ लिंक करना चाहते हैं उसको यहां पर डाल दीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल दीजिएगा, अगर सिम फोन में डाला होगा तो ये ऑटोमेटिकली ओटीपी को ले सकता है। इसके बाद यहां पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, मेल आईडी डालना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आगे आपको 4 अंक का एक पिन बनाने के लिए बोलेगा, पिन जो भी आप बनाएंगे इसी पिन की मदद से आप अपने इस अकाउंट की डिटेल को लॉगिन कर पाएंगे, वापस इस एप्लीकेशन के अंदर आ पाएंगे। तो जो भी ये 4 अंकों का पिन आप 2 बार बनाएंगे उसको याद रखिएगा। अगर आपके मोबाइल में बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट होगा तो ये उसको इनेबल करने के लिए बोलेगा, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहां पर इनेबल कर सकते हैं, बाकी आप नीचे क्लिक कर सकते हैं तो बाद में भी इसे इनेबल कर सकते हैं।
इसके बाद यहां पर आपको एक सेल्फी लेने के लिए बोलेगा, जिस व्यक्ति के नाम से आप अकाउंट को ओपन कर रहे हैं उसकी एक सेल्फी लेनी होगी। यहां पर आप टैग सेल्फ पर क्लिक करके अकाउंट होल्डर की एक सेल्फी ले लीजिएगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इस वाले पेज पर लेकर के आएगा। इसके बाद यहां पर आपको इस टिक मार्क को क्लिक कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि इस अकाउंट को ओपन होते ही आपको ₹25 का साइन अप बोनस रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। यहां पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा और नो मिनिमम बैलेंस, मतलब कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। इस अकाउंट में आपको ₹1 भी मंथली एवरेज बना के नहीं चलना होता है। आगे यहां पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर देना होगा। यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। ये सब डालने के बाद यहां पर आपको इस चेक मार्क पर क्लिक करना है और यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर अपना 12 अंक का आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहां पर आपको फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपका आधार कार्ड का डिटेल थोड़ा सा वेरीफाई होगा। उसके बाद एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद यहां पर आपको इस वाले पेज पर लाया जाएगा। यहां पर देखिए आपका जो फोटो होगा आधार कार्ड में वो शो हो जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, ये सब यहां पर आपको दिखा देगा। अगर सही है तो आप यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी एड्रेस आपका आधार कार्ड में होगा वो एड्रेस आपको यहां पर दिख जाएगा। अब यहां पर आपको इस टिक मार्क को क्लिक करना होगा और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना होगा। अब यहां पर आपको कुछ अपनी पर्सनल जानकारी देनी है, जैसे कि जो अकाउंट होल्डर है वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, मिस्टर मिसेज, मैरिड है या फिर अनमैरिड है, उनकी मदर्स का नाम क्या है और यहां पर उनके फादर्स का नाम क्या है। इसके बाद यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि वो क्या काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या फिर सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, क्या है। उसके बाद यहां पर उनका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि कहां तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, ये सब बताना होगा। नॉर्मल जानकारी आप दे देंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको एक नॉमिनी ऐड करनी होगी, तो आपको अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको नॉमिनी के यहां पर रिलेशन क्या है वो डालना होगा, नाम डालना होगा नॉमिनी का, मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है। अगर एड्रेस सेम है आपका और नॉमिनी का तो आप नीचे यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज माई रेसिडेंशियल एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ही एड्रेस यहां पर नॉमिनी के एड्रेस में हो जाएगा ऐड, या फिर आप यहां पर दोबारा एड्रेस दूसरा सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं अभी तो यहां पर नीचे आप ड्यू टू लेटर पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको आपकी बेसिक जानकारी दिख जाएगी सबको, जो भी आपने डाली होगी, आपका एड्रेस, आपका मैरिड स्टेटस, नाम, फादर्स नेम, सब कुछ। अब यहां पर आपको सिंपल सा कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर 2 मिनट के अंदर आपका अकाउंट रेडी हो रहा है। यहां पर देखते हैं पावर बाय सूर्य उदय बैंक, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। इतना ही प्रोसेस होता है इसमें, आपका अकाउंट कंप्लीट हो चुका है और यहां पर आपको सूर्योदय बैंक का अकाउंट नंबर मिल चुका है, आईएफएससी कोड मिल चुका है और कस्टमर आईडी भी आपको मिल चुका है। यहां पर स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहां पर आप एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं। अब सबसे पहले आपको अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन सेट कर लेना है। पिन सेट करने के लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा ऊपर, सेट डेबिट कार्ड पिन का, इस पे से आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको 4 अंक का एक पिन सेट करना होगा, जो भी आप अपने डेबिट कार्ड का पिन रखना चाहते हैं उसको आप यहां पर डालिएगा। यहां पर आपका डेबिट कार्ड आपको शो हो जाएगा। अगर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखना है तो एक बार आप डेबिट कार्ड पे टैप करेंगे, यहां पर आपको दिख जाएगा सूर्योदय बैंक रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का सीवीवी और यहां पर उसकी एक्सपायरी मंथ एंड एक्सपायरी डेट भी दिख जाएगा। आप डेबिट कार्ड को यहां से लॉक कर सकते हैं। आप सेटिंग पे क्लिक करके अपने डेबिट कार्ड की लिमिट को चेंज कर सकते हैं और यहां से अपने पिन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ऐड करना है तो यहां पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, एक बार आप ऐड पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कई सारे, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो वहां पर लिंक करके आप अपने बैंक में पैसे को ऐड कर सकते हो। यहां पर आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है बाई बैंक का, तो यहां पर आप एनईएफटी आरटीजीएस के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ऐड भी कर सकते हो। अगर आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूपीआई से लिंक करना है तो यहां पर आप आइएगा, अपने एड अनदर बैंक पे क्लिक करिएगा, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जहां पर भी आप लिंक करना चाहते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं पेटीएम में, यहां पर आप आकर के और इंटर बैंक के नाम पे क्लिक करके यहां पर लिखिएगा सूर्य, यहां पर आपको बैंक दिख जाएगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक बार, ये इस प्रकार थोड़ा सा टाइम लेगा। यहां पर जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक के साथ लिंक है उसी मोबाइल नंबर के साथ यहां पर आप लिंक करेंगे तो इस प्रकार से लिंक हो जाएगा। अगर आपको पिन बनाना है अपने इस बैंक का तो यहां पर आपको सेट पिन पे क्लिक करना है। यहां पर अपने बैंक अकाउंट का पिन 2 प्रकार से सेट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से या फिर अपने आधार कार्ड से। यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिला है उसकी मदद से आप बना सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। अभी ये अकाउंट नया नया लॉन्च हुआ है तो कुछ इसमें चेंजेस आएंगे, धीरे धीरे आपको सारी सर्विस इसी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी।
तो अभी एक बढ़िया सा मौका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जीरो बैलेंस अकाउंट आप घर बैठे बैठे ओपन कर सकते हैं और रिवार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपको ₹25 यहां पर मिला होगा साइन अप बोनस। बाकी यहां पर आप अगर किसी व्यक्ति को अकाउंट ओपन कराते हैं तो यहां पर इस लिंक से अकाउंट ओपन करा सकते हैं, इसमें आपको ₹50 का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट घर बैठे बैठे ओपन कर पाएंगे। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।